मुंबई की एक बड़ी कंपनी में एक टीम के लोग एक एक करके मर रहे थे। हर हफ्ते एक स्टाफ की मौत हो रही थी। इंस्पेक्टर सिम्हा केस की जांच कर रहे थे, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये खून कौन और क्यों कर रहा है? हर हफ्ते यहाँ एक खून हो जाता है। अब पता नहीं अगले आदमी कौन है, किसका कत्ल होने वाला है। मैं अभी डिटेक्टिव जे से बात करता हूँ, शायद वो मेरी कुछ हेल्प कर सके। इंस्पेक्टर सिम्हा डिटेक्टिव जे को कॉल करता है और उसे इस बार के बारे में बताता है। डिटेक्टिव जे, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यहाँ मुंबई की एक MNC कंपनी में हर हफ्ते एक स्टाफ की मौत हो रही है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि अगला कौन है। अगर हमने ये पता नहीं लगाया कि अगला कौन है तो एक और बेगुनाह की जान चली जाएगी। सिम्हा, तुम अपनी लोकेशन शेयर करो, मैं अभी पहुँचता हूँ, बाकी बात वहीं करते हैं। ठीक है डिटेक्टिव जे। और कुछ ही देर में डिटेक्टिव जे वहाँ पहुँच गया। सिम्हा ने उसे पूरी बात बताई कि खून कब कब हुआ है और कैसे हुआ और कौन कौन मरा। डिटेक्टिव जे, सबसे पहले जय का खून हुआ, उसके बाद खून हुआ फीनू का, उसके बाद मोना का, उसके बाद अंजु और फिर मीना और आज जिनी का। उनकी टीम में कितने मेंबर काम करते थे सिम्हा? टोटल 10 मेंबर थे, जिसमें 6 मर चुके हैं और 4 बाकी हैं, जिनके नाम है वरुण, चुनमुन, अंजलि और जूली। डिटेक्टिव जे को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। इंस्पेक्टर, मुझे सोचने का समय दो, मैं किसी फैसले पर पहुंचता हूं और तुम्हें बताता हूं। घर जाकर डिटेक्टिव जे केस से कोई लिंक जोड़ने की कोशिश करता है, तभी उसकी नज़र कैलेंडर पर जाती है और उसे अब समझ आ जाता है कि अगला खून किसका होने वाला है। क्या आप बता सकते हैं कि डिटेक्टिव जे को क्या समझ में आया? सोचो सोचो, खूनी का अगला शिकार है जूली। खूनी कैलेंडर मंथ के हिसाब से शिकार को ढूंढ कर मार रहा है, जैसे जय जनवरी से, फिनू फरवरी से, मोना मार्च से, अंजू अप्रैल से, मीना मई से, जिनी जून से और अब जूली जुलाई से। अगला खून जूली का होने वाला है, पर हमें कातिल को रंगे हाथ पकड़ना होगा। पर कैसे? हम अगले हफ्ते इसी ऑफिस में चुप कर बैठेंगे और जब कातिल यहाँ आएगा तो उसे पकड़ लेंगे। ठीक है इंस्पेक्टर सिम्हा? ठीक है डिटेक्टिव जे। डिटेक्टिव जे जूली को ये बात बताता है। देखो जूली, घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। अगले हफ्ते तुम्हारी मौत होने वाली है, पर अगर तुम हमारा साथ दो तो हम कातिल को पकड़ सकते हैं और तुम्हारी जान बचा सकते हैं। अगर तुमने साथ नहीं दिया तो तुम भी मरी जाओगी और तुम्हारे जैसे और भी बेगुनाह मारे जा सकते हैं। ठीक है डिटेक्टिव जे, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगले हफ्ते डिटेक्टिव जे और इंस्पेक्टर सिम्हा ऑफिस में चुप कर बैठ जाते हैं, तभी वहाँ किसी की आने की आहट होती है। दोनों अब सतर्क हो जाते हैं, तभी एक आदमी वहाँ आता है, उसके हाथ में बंदूक थी। वो जूली पर बंदूक चलाने ही वाला था, तभी इंस्पेक्टर सिम्हा ने उस पर अपनी बंदूक तान दी और उसे पकड़ लिया और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। इस तरह डिटेक्टिव जे ने ये केस भी सॉल्व कर दिया। टूनी अपनी बूढ़ी माँ लूसी के साथ रहती थी। टूनी जब 15 साल की ही थी तभी उसके पिता की मौत हो गई थी और माँ की तबीयत भी बहुत खराब रहती थी, इसलिए टूनी के कंधों पर घर की जिम्मेदारी आ जाती है और उसको ही घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है। उसको बिरयानी खाने और बनाने का बहुत शौक था और वह बिरयानी बनानी भी बहुत अच्छी थी, इसलिए उसने बिरयानी बेचने का काम ही शुरू कर दिया। ऐसे ही उसे काम करते हुए आज 10 साल बीत गए और बिरयानी बेच कर ही उसने अपना घर और सारी चीजों की व्यवस्था कर ली। एक दिन उसकी माँ लूसी उससे कहती है, बेटी टूनी, आज तो बिरयानी बेचने मत जाना। लेकिन क्यों माँ, कोई परेशानी है क्या? नहीं टूनी, कोई परेशानी नहीं है, बस बात यह है कि आज तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए तू जाकर तैयार हो जा। लेकिन मैं, आप जानती है ना, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। बेटी मेरी बात समझती क्यों नहीं है? तू एक लड़की है और लड़की पराई धन होती है। एक ना एक दिन उन्हें अपने मायके को छोड़कर अपने ससुराल जाना ही पड़ता है और ससुराल ही उनका असली घर होता है। बेटी मैं चली जाऊंगी तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? माँ मैं अब ठीक हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, ठीक है? नहीं माँ, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ एक ही शर्त पर, अगर लड़का मेरे साथ यहाँ रहने के लिए राजी होगा, मतलब घर जमाई बनकर। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। अगर कोई लड़का राजी होता है तो ही मैं शादी करूंगी। ऐसा कहकर टूनी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टूनी के ठेले पर एक लड़का आता है जिसका नाम सोनू था। वो टूनी से कहता है, मुझे एक प्लेट बिरयानी मिलेगी क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं मिलेगी, आप बैठ
रखिए, मैं अभी आपको बिरयानी बनाकर देती हूँ। वो जैसे ही बिरयानी की प्लेट उसके हाथ में रखती है, वैसे ही वो लड़का लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है। बिरयानी की प्लेट उसके हाथ में रखती है, वैसे ही वो लड़का लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है। और टूनी उसको अपने घर ले आती है और डॉक्टर को भी बुलाती है। डॉक्टर उसकी जांच करता है तो कहता है, इन्हें कई दिनों से कुछ खाया नहीं था, इसलिए इन्हें चक्कर आ गए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, इन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा। डॉक्टर ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद सोनू को होश आ जाता है। सोनू के होश में आने के बाद टूनी और लूसी सोनू से उसके घर के बारे में पूछती हैं। तो सोनू बताता है, मेरा यहाँ कोई घर नहीं है, मैं तो यहाँ काम की तलाश में आया था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे ठग लिया और मेरे पास एक रुपया नहीं छोड़ा, इसलिए कई दिनों से मैं भूखा था। हाँ, मेरी माँ जरूर है, लेकिन वो गांव में रहती है। कोई नहीं बेटा, तुम जब तक ठीक नहीं हो जाते तुम यहाँ रह सकते हो, और काम ही चाहिए तो मेरी बेटी टूनी के साथ तुम बिरयानी बेचने में मदद कर सकते हो। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा, आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। सोनू अब टूनी के साथ मिलकर उसकी मदद करता था और बिरयानी बेचने में उसकी भी मदद करता था, और कुछ समय बाद दोनों को ऐसे ही आपस में प्यार हो जाता है और टूनी और सोनू एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और सोनू अपनी माँ को भी यहीं ले आता है और फिर सभी साथ मिलकर खुशी खुशी वहीं रहते हैं। और टूनी अभी भी अपने बिरयानी बेचने का काम शुरू रखती है और सभी अब उसे बिरयानी बेचने वाली बहू के नाम से पुकारने लगते हैं। टूनी सुंदरवन में अपने माँ बाप के साथ रहती है। टूनी को चावल खाने का बहुत शौक है, वो पूरे दिन बस चावल ही खाती रहती है, रोटी को तो वो हाथ भी नहीं लगाती। अरे माँ, ये क्या रोटी, चावल कहाँ है? चावल नहीं बनाए आज मैंने, यही रोटी बनाई है, और चुपचाप खा लेने। अभी कल रात ही तो तूने बहुत सारे चावल खाए थे। मैं तो जा रही हूँ माँ, तुम ये खाओ अपनी ये रोटी, मैं कॉलेज में एक कड़ी चावल लेकर खा लूंगी। अरे बेटी, इतने चावल मत खाया कर, तुझे ही आगे जाकर परेशानी होगी। अरे माँ, कोई परेशानी नहीं होगी, तुम बिना। टूनी अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है और कॉलेज की कैंटीन में जाकर कड़ी चावल खाने लगती है। तभी उसकी दोस्त के पास आते हैं। वो देखो, वो बैठी है चावल, और देखो चावल ही खा रही है। अरे चावल, मेरा मतलब टूनी, तुम यहाँ खाना खा रही हो क्या? घर से नाश्ता करके नहीं आई? अरे नहीं, मम्मी ने रोटियाँ बनाई हुई थी ना, और तुम्हें तो पता है मुझे चावल ना मिले तो मेरी भूख मिटती ही नहीं है। हाँ हाँ, जानता हूँ मैं, तभी तो मैंने तुम्हारा नाम चावल रखा हुआ है। टूनी पूरे दिन बस चावल ही खाती थी, उसे रोटी खाने का कोई शौक नहीं था, उसका तो पेट भी रोटी से ही भरता नहीं था, रोटी को तो वो छूती भी नहीं थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और टूनी की शादी सोनू नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के अगले दिन वो सुबह सुबह रसोई में जाकर राजमा चावल बनाने लगती है। जब उसकी सास रसोई में आती है तो उसे देखकर कहती है, अरे बहू, क्या बना रही है तू आज? मैं जी, मैं तो राजमा चावल बना रही हूँ। क्या राजमा चावल? अरे बहू, आज तो तेरी पहली रसोई है, तुझे तो आज कुछ मीठा बनाना चाहिए था, कि तू क्या बनाने लग गई? माँ जी, वो माँ जी, सोनू जी को बहुत भूख लग रही थी, उन्होंने मुझसे कहा कि उनका राजमा चावल खाने का मन है, तो मैंने बना लिए। अच्छा, लेकिन पहले तो कभी मुझसे चावलों की उसने फरमाइश करी ही नहीं, चल बना ले, और हाँ कुछ मीठा भी बना लेना। टूनी राजमा चावल बनाने के बाद थोड़ी सी खीर भी बना लेती है और अपनी सास को देती है। उसकी सास को खाना बहुत पसंद आता है, और ऐसे ही समय बीतता जाता है। और अब टूनी हर रोज चावल ही बनाकर बैठ जाती थी, वो रोटियां तो कभी बनाती ही नहीं थी, और रोज चावल खाकर उसकी सास भी अब उब चुकी थी। एक दिन, माँ जी बताइए शाम के खाने में क्या बनाना है? मुझसे क्या पूछ रही है, दाल चावल बना ले। माँ जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? तो कैसे बोलूं, तू तो हर दिन यही चावल बनाकर बैठ जाती है। अरे फोन पर इतना कुछ देखती है, कुछ सीखती नहीं है क्या उससे? अच्छा, तो माँ जी ये बात है, अभी आती हूँ। टूनी रसोई में जाती है और जाकर वेज बिरयानी बनाकर लाती है और अपनी सास को देती है। ये लीजिए माँ जी, आपकी नई रेसिपी वेज बिरयानी। अरे इसमें भी तो चावल है। माँ जी मैं क्या करूँ, मेरा चावल के बगैर गुजारा ही नहीं है, चावल ना खाऊं तो पेट भरता ही नहीं है। और तू चावल बना लेती तो उससे हमारा पेट नहीं भरता, तू हमारे लिए रोटी बनाया कर। ठीक है माँ जी। ऐसे ही टूनी अब रोज उन सभी के लिए रोटी बनाती और खुद के लिए चावल। लेकिन ऐसे ही चावल खाते रहने की वजह से उसके अंदर आलस और बढ़ता जा रहा था।
एक दिन उसकी सास उससे कहती है, देख बहू, इसका तो एक ही इलाज है, अब तू चावल की रोटी खाना शुरू कर दे, नहीं तो तेरा शरीर ऐसे ही फूलता जाएगा और तू आलस की पिटारी बनती जाएगी। चावल खाना इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है ना, चावल रोटी के मुकाबले जल्दी गल जाता है और तुझे भूख भी इसलिए जल्दी जल्दी लगती है। तू अब से चावल की रोटी बना के खाया कर। ठीक है माँ जी। अब से टूनी चावल की जगह चावल की रोटी बनाकर खाया करती और इससे उससे चावल खाने की बीमारी से मुक्ति मिल गई।